झारखंड को मिलला नुआ मुख्यमंत्री। थमिबो की दुर्नीति झड़। दुर्नीति मामलें छंदी बापरे हेमंत सोरेन को हाथ जाई मुख्यमंत्री पद। सेबड़े घड़ीसंधि मुहूर्त में राज्य को मिली नुआ मुख्यमंत्री। शुक्रवार झारखंड नुआ मुख्यमंत्री भाव शपथ नहीं चंपाई सोरेन। रांची रे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन चंपाई को गोपनीयता और पदर शपथपाठ कर। जमी दुर्नीति मामलें हेमंत चारिपटु फसिबा परे जेएमएम विधायक दल वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन कना मुख्यमंत्री भाव प्रस्ताव देते। विधायक दल नेता भाव निर्वाचित जेएमएम टाणुआ नेता तबे राज्य राजनीति जो समस्या दे गति करुछि चंपाई सोरेन संभालिपे बोली आशा रखी दल। तबे 10 दिन मध्य चंपाई को संख्या गरिष्ठता प्रमाण करने को। मैं चंपाई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने कर्तव्य एवं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंपाई सोरेन ईश्वर के शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वाहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हूँ। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूँगा। ये पार्टी की बहुत बड़ी जीत है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की पूरी तैयारी थी भाजपा की, लेकिन उस षड्यंत्र को विफल करके आज शपथ ग्रहण हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी जीत है। अगर आज राहत मिल जाती तो सबको बहुत खुशी होती, दोहरी खुशी होती, लेकिन हम लोग इंतजार करेंगे। हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द वापस आएंगे। शपथ ले रहे थोड़ा ये आपको पता चल जाएगा मीडिया से। हाँ। उसके बारे में है कि फ्लोर टेस्ट तो मंडे को ही हो सकता है ना, अब क्योंकि कल और परसों तो छुट्टी है। हाँ, मंडे को ही हो सकता है। हाँ, बहुत तरह का षड्यंत्र था, वो दैनिक भास्कर में देखिएगा, पूरा डिटेल में है कि क्या क्या तिकड़म भिड़ाए गए थे, लेकिन हमें खुशी है कि हमारी पार्टी और गठबंधन की सरकार फिर से बन रही है और सारे षड्यंत्र विफल कर दिए गए हैं। जी, आज थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा पार्टी की तरफ से, जो भी निर्णय होगा बहुत ही अच्छा निर्णय होगा। पांचों दिनिया ईडी रिमांड रहे हेमंत सोरेन को सुप्रीम झटका। सबड़े गुरुवार राती जेल रे काटिबा परे शुक्रवार हेमंत सोरेन को पांचों दिनिया रिमांड रे नेछि ईडी। 8-10 दिन रिमांड पाई ईडी कोर्ट रे पिटीशन दाखल करथिला। सबड़े ईडी गिरफ्तारी विरोध रे हेमंत सोरेन को मिलछि झटका। सोरेन को आवेदन उपरे सुनानी करबा को मना करी सुप्रीम कोर्ट तंकु हाईकोर्ट जिबा को कहिसंती। सबड़े पूरा घटना को नै जेएमएम उपरे बरसिछि बीजेपी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार है, ये बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करती है। और जो भी चोर होगा, पैसा हमने रख दिया क्या हेमंत सोरेन के यहाँ? 36 लाख रुपया हमने रख दिया क्या? 82 संपत्ति जो है बेनामी हमने रख दी क्या? ये हाईकोर्ट के जजमेंट में जो है, लोकपाल वाले जजमेंट में कहा है कि 82 दी संपत्ति है, तो आप जाँच करिएगा ना, इनकम टैक्स में उसको दीजिएगा ना, उसको आप चुनाव आयोग में बताइएगा ना कि हम जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो इतनी मेरी संपत्ति है। पिछले दिनों जिस तरीके से पिछले 3 वर्षों के सरकार में हेमंत सोरेन के सरकार ने झारखंड के अंदर लूट मचाई और इस तरह के घटनाएं सामने आई जिसमें जमीन के घोटाले, खनन के घोटाले, निजी लीज, निजी पट्टा और कई तरह के मामले लगातार आए, और वो इन सारे चीज़ों से बजाय इसके कि वास्तविकता से अवगत कराए,
ये बचने की कोशिश किया, इसलिए आज जवाब देने में विफल रहे। जमी खनि दुर्नीति मामलें जनवरी 31 रे हेमंत सोरेन को ईडी 7 घंटार जेरा पर गिरफ्त करथिला। पूरा घटना पई बीजेपी सरकार को दायी करिछि जेएमएम। निर्वाचन पूर्व केन्द्र हाथर काठ कंडे साजी तदंतकारी संस्था विरोधी को टार्गेट करुवा जेएमएम अभियोग करिछि। एबे देखिबा को बाकी रहिला हेमंत सोरेन को अनुपस्थित रे किभली झारखंड राजनीतिक झड़क को काबू करुछंती चंपाई सोरेन। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज़।